तो वहीं कांग्रेस इनेलो भी जनता के बीच में जाकर अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। जेजेपी भी अपने स्तर पर लोगों के बीच में पहुंचती नजर आ रही है। आज चर्चा इसी को लेकर होगी। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। ২০২৪ चुनाव के लिए हरियाणा की जमीन पर सियासी पटकथा साफ नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी ने विधायकों के साथ महामंथन भी शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में आज सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में तमाम विधायकों की बैठक भी हुई, तो वहीं जनसंवाद के जरिए सीएम मनोहर लाल भी जमीन पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और जनसंपर्क के साथ चुनावी मोड में है। अभी 24 तो आना ही है और 24 में चुनाव भी है, तो मिशन मानना ना मानना विषय नहीं है। आखिर एक सामान्य एक प्रक्रिया है कि जब चुनाव आता है तो उसकी तैयारी के लिए हम भी जुटे हैं, बाकी पार्टियां भी जुटी हैं। तो वो तो सरकार से हर वर्ग नाराज है, किसान हर वर्ग, किसान हो, व्यापारी हो, आड़ती हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, गरीब आदमी हो, मजदूर हो, कोई सब हो रहे। एक तरफ सीएम ने कहा कि चुनाव की तैयारियां जारी है, तो वहीं नेता विपक्ष हुड्डा ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इतना ही नहीं, चुनावी चर्चाओं के बीच सवाल बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर भी है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने क्या कहा वो भी सुनिए। बैठ करके विचार करेंगे, पार्टियां विचार करती रहती हैं, पार्टियां बैठ करके विचार करेंगी और आपस में सहमति बनेगी तो सब आगे बढ़ेंगे। तो वहीं परिवर्तन लाने का दम भरने वाली इनेलो की तरफ से भी परिवर्तन पदयात्रा के जरिए बीजेपी जेजेपी पर हमला कर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। मैंने यात्रा इसलिए शुरू करी है कि जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया भाजपा की, जो 75 पार को कहते थे यमुना पार करेंगे, मैं उनको हरियाणा पार करवाऊंगा। मेरी यात्रा का मकसद ऐसे लोगों से प्रदेश का छुटकारा दिलाना है। मैं तब तक इस यात्रा को जारी रखूंगा जब तक भाजपा और जसपा दोनों इस प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं हो जाए। कहते हैं जब सियासी दिग्गजों का जनता के बीच में आना जाना बढ़ जाए तो समझ लीजिए चुनाव आने वाले हैं। रैलियों का शोर जब शुरू हो जाए तो समझ लीजिए दौर चुनाव का है। हाल ही में कांग्रेस ने सोनीपत में रैली की, तो बीजेपी नेता भी मैदान में नजर आ रहे हैं। जेजेपी भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और गठबंधन पर कुछ संकेत भी दिए जा रहे हैं। खैर, ये तो समय बताएगा किसकी तैयारी किस पर भारी होगी, किस पार्टी की किस्मत में सत्ता की सवारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आगे कुछ हमारे सवाल रहेंगे। क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जारी रहेगा 2024 में? क्या ये एक साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। कांग्रेस के दावों में कितना दम है, क्योंकि लगातार हम नेता प्रतिपक्ष के दावे सुन रहे हैं कि साल 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उधर इनेलो की अगर बात करें तो परिवर्तन यात्रा इनेलो की हमें देखने को मिली, तो इस परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन आएगा या नहीं, 24 के चुनाव में कौन से मुद्दे भारी होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा वही सवाल कि गठबंधन जारी रहेगा या नहीं। तो एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, इनसे आपको रूबरू करवा देते हैं और इनसे ही चर्चा होगी। सबसे पहले आपको बता दें केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा विवेक चौधरी जी हैं, जेजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा विजेंद्र रेडू जी इनेलो प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और साथ ही राजेंद्र जाधौन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में, और थोड़ी बहुत देर में हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले केवल ढींगरा जी आपके पास ही आते हैं, क्योंकि साल 2024 की अगर बात की जाए, इलेक्शन ईयर, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव होने हैं, क्या लगता है अभी से आपकी तैयारियां शुरू हो गई हैं तो कितना असर उनका देखने को मिल रहा है, मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल इस मामले में तैयार है और तैयार रहती भी है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी पहले राहुल गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके
उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है हरियाणा विपक्ष आपके समक्ष, वो कई देर से चल रहा है जी। और तीसरा जो है हाथ से हाथ जोड़ो जो हमारा प्रोग्राम है एक, वो भी चल रहा है। और बाकी जो है अभी हम जिस तरह से हर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, लोगों से अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरह से 9 साल के अंदर हरियाणा लूटा है और बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है, ये सारी चीजें जो है हरियाणा के लोगों को अब पता लगनी चाहिए। रीजन ये है कि करीबन हमारा भी 10 साल का 9.5 साल का जो कार्यकाल था, एक तो वो था, दूसरा अब ये कार्यकाल इनका भी था जी। और बीजेपी भी थी और जेजेपी भी थी, हालांकि जेजेपी बीजेपी को यमुना पार पहुंचा रही थी लेकिन इनके साथी बन गए थे। अब ये भी इनकी सारी चीज क्लैरिटी पे आ चुकी। अब जो मुद्दे थे जिसमें हरियाणा में हमारी सरकार ने कितने कॉलेज, कितने इंस्टीट्यूशन, मेट्रो के विस्तार, हाईवे योजना, सड़कों की योजना और बिजली के कारखाने और कई काम किए थे, उसी तरीके से अगर हमारा भाजपा के साथ आकलन हो जी, तो भाजपा ने इन पूरे 9.5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं हरियाणा के अंदर किया, ना तो कोई 1 इंच मेट्रो बढ़ाई, ना कोई बिजली का कारखाना नया एक्सटेंड हुआ, ना कोई सड़कों का जाल बिछा, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई मेडिकल कॉलेज बने, और उल्टा करीबन 4800 स्कूल बंद करने का काम इस सरकार ने किया। तो ये जो सारी मुद्दे हैं ये धरातल पे जाएंगे और उसके बाद जो सारी चीजें हैं जिस तरह से लेकिन आप देखा होगा आपने, सरपंचों का क्या हाल किया इन्होंने, किसानों का क्या हाल किया इन्होंने, जो फौजी भर्ती होती थी उसका क्या हाल कर दिया, एक बॉस टीम लाए थे डॉक्टरों के लिए उनका क्या हाल कर दिया। अभी इसी तरह के बहुत सारे कारनामे जो भाजपा के थे और जेजेपी के थे, ये लाठियां इतनी भांजी गई इन सारे सब समुदाय पे, तो ये सभी लोग जो है अब इस बात का जवाब देने की बारी आ गई। और अब इनको पता लगेगा क्योंकि देखिए चुनाव तो चलते रहता है, चुनाव अब आएगा जब टाइम होगा, लेकिन इनकी हालात बड़ी खराब है, गाँव के अंदर घुसना बंद है इनका, इलाकों के अंदर कार्रवाई करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये अब सरकार जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, तैयारियां शुरू हो गई हैं या तैयारियां तेज कर दी गई हैं चुनाव को लेकर 2024 की बात की जाए तो? हेलो, हाँ चौहान साहब आवाज आ रही है? हेलो वीरेंद्र सिंह चौहान जी आवाज आ रही है? मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी सर बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रहा है। ओपनिंग कमेंट सर। हाँ देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक मशीनरी है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, काडर है, वो चुनाव आने पर चुनाव की तैयारी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित, कार्यकर्ता पर आधारित, विचारधारा पर आधारित पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन चुनाव को ऐसा पर्व मानता है जो 5 साल में नहीं आता। हम निरंतर चुनाव के मोड में रहते हैं, चुनाव की तैयारी में रहते हैं, क्योंकि चुनाव हमारे लिए बिलों से निकल करके जनता को गुमराह करने का अवसर नहीं होता हमारे विपक्षियों की तरह। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार अपनी संगठनात्मक मशीनरी की ऑयलिंग, ग्रीसिंग, तैयारी करते रहते हैं अपने कामों के माध्यम से, विकास कार्यों के माध्यम से भी। और उसके अलावा हम सियासत को सत्ता का उपभोग करने का माध्यम नहीं मानते, जनता की सेवा का माध्यम मानते हैं। इसलिए निरंतर जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में, शक्तिदाता मतदाता के मध्य में, बीच में, उसके आंगन, उसके द्वार पर रहते हैं, इसलिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, चुनाव जब आता है तो जो हमारा रूटीन में काम करने की गति और दिशा होती है उसमें हल्का फुल्का बदलाव तो आता ही है, परंतु हम में और आप में अंतर ये पाएंगे आप, हम में और हमारे विरोधियों में, हम में और धींगड़ा जी की पार्टी में, कि इनकी पार्टी आज सड़कों पर आपको दिखनी शुरू हुई है थोड़ी बहुत, अन्यथा ये व्यस्त थे अपनी पार्टी की गुटबंदी के कारण एक दूसरे के साथ खुंचम खुंचा होने में, कुश्तम कुश्ती होने में और एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के काम में। ये आज तक भी, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज तक भी ये अपना ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का,
प्रांत स्तर का संगठन नहीं बना पाए और 10 साल से पिछले इन्होंने कोई संगठन नाम की चिड़िया हरियाणा में बनाई नहीं है। तो ये ऐसे हैं और इसके विपरीत हम वो हैं जिनका संगठन प्रदेश के 370,000 से अधिक जो पन्ने हैं वोट पोलिंग बूथ से नीचे जाकर के हमारी वोटर लिस्ट के पन्ने, हमारा संगठन वहां तक है, हकीकत में धरातल पर काम करता है। हम हर मतदाता के दरवाजे पर पहुंच रखने वाली पार्टी और संगठन है। इनका काम है केवल चुनाव के समय आना, भ्रमित करने वाली बातें फैलाना, झूठे सच्चे नारे देना और चुनाव में हार के फिर बिलों में घुस जाना। ठीक है, हम धरातल पर काम करते रहने वाले हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई आज तैयारी शुरू की है। ठीक है सर, ठीक है। विजेंद्र रेडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएलओ से। विजेंद्र जी, क्या तैयारी सर शुरुआत हुई है, नहीं हुई है? वैसे परिवर्तन यात्रा का आगाज तो कर दिया गया है आपकी तरफ से, परिवर्तन लाने की बात कही जा रही है, 75 पार वालों को हरियाणा पार करने की बात आपके दिग्गज नेता कर रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह की चीजें हो भी रही हैं सर धरातल पर? जी विनय जी, देखिए वैसे तो प्रदेश की जनता को फैसला करना है, ताकत प्रदेश की जनता के हाथ में है। ये किसको सत्ता सौंपना चाहते हैं उसको सत्ता सौंपेंगे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सिपाही कभी अपनी बैरकों में नहीं जाता, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, प्रदेश की जनता के हक की आवाज उठाने का काम करते हैं। जहां तक संगठन की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन को सभी मानते हैं कि बहुत ही अच्छे संगठनकर्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत मजबूत संगठन खड़ा करते हैं और हमारा संगठन मजबूत है। और जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा अभय सिंह जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, इस यात्रा का प्रभाव सबके सामने सर्टिफिकेट आ चुका है, सभी मान चुके हैं कि अभय सिंह चौटाला जो संघर्ष कर रहा है, जो तपस्या हरियाणा प्रदेश के निवासियों के लिए की जा रही है, उसका प्रतिफल पार्टी को बहुत अच्छी प्रकार से मिलने वाला है। यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो लोग स्वागत कर रहे हैं फूलमालाओं से, वो साफ जाहिर प्रकट हो रहा है कि लोग अभय सिंह जी को मानने लगे हैं और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, देखिए विनय जी मैं ये कहना चाहूंगा बिल्कुल क्लियर, कोई भाई ये हमारे साथी मना नहीं कर पाएंगे इसको, आज प्रदेश में यदि कोई पार्टी है तो वो सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। अच्छा सर, अब ये कहेंगे कि सबसे बड़ी आपने कैसे कह दिया, मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जिसका शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी रहे, 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक टर्म योजना बने और मनोहर लाल जी भी एक ही टर्म में कंटिन्यू 10-10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरी सभी पार्टियों की जमानत जब्त करवाने तक का काम कर चुकी है 1987 में। इसी प्रकार से जो है 2000 में जो 47 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया था, यानी कि सबसे मजबूत आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। इसलिए लोग इस पार्टी को दोबारा से मौका देने का मन बना चुके हैं, वो हमें भरोसा है। और दूसरी बात, ये जो मौजूदा सरकार है विनय जी, इस सरकार के बारे में जो केवल धींगड़ा जी ने बातें कही वो बिल्कुल सही बातें कही है, और वीरेंद्र चौहान ने जो केवल धींगड़ा के बारे में कांग्रेस के बारे में बातें कही वो भी सारी बातें सही हैं। अच्छा, उन बातों को दोहरा करके मैं टाइम खराब न करते हुए ये कहना चाहूंगा कि एक बात जो केवल धींगड़ा ने नहीं बताई वो ये है कि इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों को पहिए लगाने का काम किया है। हमारी सरकार विकास के कार्यों को पहिए लगाती थी, इन्होंने लोगों को पहिए लगाने का मौका मिलेगा सर, मौका मिलेगा प्रदेश का नागरिक। ठीक है सर, किस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी के लिए धक्के खा रहा है। ठीक है सर, मौका मिलने वाला है, बहुत जल्द। लाइनों में सुबह खड़े होता है और उसका कोई काम नहीं होता, 6-6 महीने तक उनकी सुनवाई नहीं होती। ठीक है सर, एक बार इस प्रकार से बूढ़े लोग बेचारे वो अपनी पेंशन के एक बार राजेंद्र जी से और विवेक जी से भी लेना है सर, ओपनिंग कमेंट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है विवेक चौधरी जी, एकला चलो की राजनीति, एकला चलो की राह पर चलेंगे या फिर साथी हाथ बढ़ाने वाली बात आगे देखने को मिलेगी साल 2024 के लिए? विनय जी, 2024 के लिए अभी कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। ठीक है, जहां तक की चुनाव की बात रही
चुनाव किसी भी परिस्थिति में हो, दोनों ही परिस्थितियों के लिए जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। ठीक, मैं अगर बात करूं बूथ तक के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ योद्धा चाहे बूथ सखी हो जी, वो हमारे निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। और आज ये नहीं है कि चुनाव के समय में ही कार्य में, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख दुख में साझा होने का काम करते हैं। अभी मैं सुन रहा था, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही थी, दो पार्टी के प्रवक्ता 2024 में सरकार बनाने की बात कर रहे थे। हाँ। एक पार्टी तो ऐसी है जिसके पास हर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद एक ही बात कही जाती है कि 3 महीने के अंदर संगठन पूरा कर दिया जाएगा, पर वो 3 महीने होने पे नहीं आते, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए पर हाँ। इनका संगठन नहीं बढ़ पाया। आज भी अगर इनसे बात की जाए तो ये आज भी यही कहेंगे, फलाना धमकाना तारीख तक संगठन बन जाएगा, संगठन कंप्लीट है, बस आउट होना बाकी। आज वो लोग चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं जो आपस में लड़ते फिर रहे हैं, जो आपस में कुश्ती लड़ने का काम कर रहे हैं, आज वो लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इनको ये तो कहिए कि एक स्टेज पे सभी नेताओं को तो इकट्ठा करके दिखाए। राहुल गांधी की यात्रा निकालते हैं, इनके एक नेता की टांग टूट जाती है, उनको कभी तबीयत खराब हो जाती है, दूसरे नेता को ये कहा जाता है कि मुझे बुलाया नहीं गया। इस तरह की बातें तमाम समय पे इनकी पार्टी में देखने को मिली, इसी कारण इनका संगठन आज तक नहीं बन पाया। हाँ, और दूसरे हमारे रेडू साहब बातें कर रहे थे, रेडू साहब मैं आपको बहुत अच्छे से सुन रहा था और बहुत देख रहा था कि क्या क्या बातें आपने कहने की बात की, पर रेडू साहब आपने ये तो जिक्र किया कि फलाह साल में इतनी सीटें थी, फलाह साल में इतनी सीटें थी, 2014 में कितनी थी, 2009 में कितनी देखी गई, उसके बाद 2019 में कितनी रह गई और 24 में कितनी होगी वो आने वाला समय बता ही देगा, जनता सब देख रही है। जो बाय इलेक्शन हुआ था उसमें भी जनता ने जवाब देने का काम किया और आने वाले समय में सब जवाब जनता दोबारा देने का काम करेगा। ठीक है, जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम उससे पहले निकाय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, निकाय चुनाव जो होने हैं उनकी भी तैयारियां चल रही हैं और उनमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन जैसे पहले किया गया वैसे आगे भी करने का। ठीक है सर, ठीक है। राजेंद्र जाधव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजेंद्र जी, थोड़ा समय लग गया ओपनिंग कमेंट लेने में, लेकिन क्या लगता है अभी से जिस तरह से पार्टियों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, साल 2024 की तस्वीर को वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सरकार का गठन होते ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। उनका संगठन का ढांचा बहुत कंप्लीट, बहुत छोटे लेवल तक जो है तैयार रहता है। अब उनके पन्ना प्रमुख भी हैं और उनके बूथ प्रमुख भी हैं और उनके शक्ति केंद्र भी हैं, उनके पालक भी हैं, छोटी छोटी इकाइयों में उन्होंने संगठन को विभाजित किया है ताकि मतदाता पर उनकी पकड़ रहे। सरकार की नीति और कामकाज तो एक अलग बात है, लेकिन मतदाता तक अप्रोच का जो तरीका है उनका वो अलग हटके है और वो लगातार चलता रहता है। अभी देखिए कि पन्ना प्रमुखों की बैठक और बूथ कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी लेवल तक संबोधित करने के लिए उनके राष्ट्रीय संगठक आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किस लेवल पर तैयारी करते हैं जी, उसका पैरामीटर आप इससे देख सकते हैं कि किस तरह से वो किस लेवल पर और कितने निचले स्तर पर गहराई तक वो तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि संगठन तो है लेकिन मतदाता भी बड़ा पैनी नजर रखता है और वो सरकार की रीति नीति कार्य व्यवहार और उस सरकार के दौरान अधिकारियों का व्यवहार और मंत्रियों का व्यवहार, विधायकों का व्यवहार, वो सबका आकलन करता है। सही बात। तो अब ये देखना है कि इस सरकार को, पिछली बार तो वो 75 पार कह रहे थे जी, और फिर रह गए वो 40 पर। हाँ। और हो सकता है कि उन्होंने कुछ कार्य नीति इस बार बदली हो, कुछ थोड़ा सा बदलाव करने का कुछ प्रयास किया गया हो, कुछ परिवर्तन, कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन अब देखना है कि चुनाव में मतदाता का किस तरह से परिवर्तन होता है, क्या वो पहले की तरह ही उनको अपनाएगा या कुछ परिवर्तन आएगा, ये देखने की बात है। लेकिन कांग्रेस भी पिछले चुनाव से ही अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई थी जी, और अब भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस काफी कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। ठीक। लेकिन कांग्रेस अपना संगठन नहीं
खड़ा कर पाती। पता नहीं कांग्रेस के नेता जो है वो ये अपना इतना त्याग करने को तैयार क्यों नहीं है कि एक चुनाव तो जीते, 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, उनको सारे मतभेद बुलाकर और अपनी पार्टी को मजबूत संगठन का ढांचा खड़ा करके, क्योंकि कोई भी जो राजनीतिक सफर है वो अगर संगठन के, ये तो वो हाल हो गया कि बगैर सवारी के आप सफर करना चाहते हो, सवारी तो संगठन ही है, राजनीतिक सफर आपका संगठन से पूरा होगा। अभी तो जेजेपी और बीजेपी दोनों ही 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी चौटाला जी और डिप्टी सीएम का ये कहना है कि अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई पता नहीं है, तो उनको लगेगा कि हम स्वतंत्र रूप से जीत सकते हैं, निकल जाएंगे, हो सकता है वो गठबंधन खत्म कर ले, कोई पता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हो ना कि महाराष्ट्र में क्या हुआ और तमाम जगह जो है उनका वो इस तरह से इस कोशिश में रहते हैं कि हम आगे निकल जाए, और बिहार में भी यही हुआ, जेडीयू के साथ भी उनका गठबंधन इसलिए नहीं चल पाया। अब देखना है कि क्या ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं या स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं, और आखिर में पॉलिसी क्या लेके आते हैं, चुनाव घोषणा पत्र क्या आते हैं, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है सर, एक बार इनेलो के बारे में बोल दीजिए सर, फिर सबके बारे में बता दिया तो। नहीं, इनेलो का तो आप देखिए कि इनका पार्टी का विभाजन होने के बाद इनेलो बहुत हाशिए पर आ गया। अब ये इस कोशिश में है कि जो सूखती हुई जड़ें हैं उनको एक बार फिर सींचा जाए। अब देखते ये है कि लोग जो है अब तक अवलोकन कर रहे हैं वो किस निष्कर्ष से क्या इसको इस पद यात्रा, देखिए लोग जुट रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, और आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जो लोग आपको सुनने जरूर आएंगे, पर जरूरी नहीं कि वो आपके वोटर में कन्वर्ट हो जाए, वोटर वो आपके मतदाता में तब्दील हो जाए ये जरूरी नहीं है। अब ये देखना है कि वो जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, लोगों की पीड़ा को सहला रहे हैं, तो देखते हैं कि उनको कितना जन समर्थन मिल पाता है। ठीक है सर, ठीक है। केवल डिंगरा जी, जितने भी यहाँ पर मेहमान बैठे हैं सभी ने एक ही चीज को लेकर सवाल दागे हैं कांग्रेस के ऊपर, वो है संगठन। जी जी, मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा संगठन जो है वो, देखिए इनको तो नहीं मालूम, मुझे तो मालूम है, और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि पीसीसी मेंबर हमारे होते हैं वो बन चुके हैं, पीसीसी मेंबर हमारे बन चुके हैं, और जो हमारे ब्लॉक के वो है सारी लिस्टें हमारी हाई कमान पे जा चुकी हैं, और जो उस पे सिर्फ एक लास्ट सिग्नेचर होना बाकी रह गया, और हमारे बल्कि मीडिया प्रभारी भी बन चुके हैं, और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, वो भी बन चुके हैं, वो तो सारी लिस्टें आ भी चुकी हैं। लेकिन पर जहां तक बीजेपी के पन्ना प्रमुखों का सवाल है, अभी जो सवाल आ रहा था वो पन्ना फट चुका है। आप ये देखिए जिस तरह से 9 साल के अंदर, आज करीबन 8वां 9वां साल चल रहा है, इसके अंदर जो सीएम खट्टर साहब ने हरियाणा के लोगों के साथ जो जो काम किया है, जो सरकार के बीच में रहे हैं, उसके बीच में इन्होंने कितने लोगों की खिंचाई करी है, पिटाई करी है, जो करा है किसानों के साथ क्या किया है इन्होंने, आपको सबको पता है, सरपंचों के साथ, आंगनवाड़ियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, छोटे ढींगरा जी इस पर मैं जवाब ले लूंगा, इन लोगों ने इस पर तो जवाब ले लूंगा, मैं तो संगठन की बात कर रहा था सर, उसके ऊपर टूटेगा ना इन, वो जो कहर होता है वो लोगों के ऊपर, जो लोगों के ऊपर ढा लिया सरकार ने इतने साल के अंदर, अब वो इनकी बारी तो अच्छी बात है, आप इन मुद्दों को आपके हिसाब से ये मुद्दे हैं तो अच्छी बात है उठाइएगा, लेकिन क्या लगता है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इससे पहले भी जब ओपनिंग में मैंने बात की डिंगरा जी से यही सवाल, उन्होंने तब यही बातें यही की थी, और अब दोबारा जब मैंने सवाल किया तो संगठन वाले पे घुमा गए बात को और फिर इसी बात पर आ गए। नहीं, मैंने संगठन की बात बताई ना आपको सर, तो फिर जो सूची पे आप, एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है अब इनको रोक लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बारी में मुझे बोलने दिया जाएगा, मैं आ रहा हूँ सर, चौधरी साहब आ रहा हूँ आपके पास में एक बार, विनय जी, विनय जी देखिए मेरी बारी में नहीं आना चाहिए, मैं अपनी बात कह दूं, मैं इंतजार किया है, सबको सुना मैंने, अच्छी बात है सर, मैं यही चाह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता जब उनसे कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता जब उनसे उनके संगठन की हालत, उनकी पार्टी के भीतर की जूतम पैजार, संगठन में संगठन के न होने की बात, नेताओं की आपस में खींचतान की बात, इसको लेकर सवाल
का उनको सामना करना पड़ता है तो वे बगलें झांकने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, या फिर सवाल का जवाब देने के बजाय वो पंजाबी में कहा करते हैं पानी च मदानी पाणा, तो वो पानी में रई घुमाना शुरू कर देते हैं और सीधे कभी भी इस सवाल का उत्तर नहीं देते। थोड़ा बहुत अगर जब जिद पकड़ ले कोई आपके जैसा मित्र कि भाई ये तो इस सवाल का जवाब तो दे दो धींगड़ा जी, तो तब वो कहते हैं कि हमारी लिस्टें छप गई, तैयार हो गई, आला कमान के गई हुई हैं। दस दस साल तक तीन तीन अध्यक्ष निकल जाएं, जिस पार्टी की पदाधिकारियों की ब्लॉक की जिले की प्रदेश की लिस्टें दिल्ली में पड़ी रहे, तो उसका राजनीतिक भाग्य स्वाभाविक रूप से सो जाएगा जैसा हरियाणा में कांग्रेस का सोया हुआ है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं चौधरी जी कि कांग्रेस बिना संगठन और बिना स्पष्ट नीति नेता और नियत के, बिना स्पष्ट नीति नेता और नियत के हरियाणा में केवल और केवल फेक नैरेटिव चलाकर, फोकी बातें हवा में उड़ाकर, गुमराह करने वाले झूठ के पुछल्ले छोड़कर चुनाव लड़ना चाहती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और राजनीति की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा कि जिस तरह आज की तारीख में चुनाव लड़े जाते हैं धरातल पर जाकर, वो चुनाव केवल और केवल हवाई बातों, झूठे नारों, झूठे जुमलों के दम पर नहीं लड़े जाते, ठोस काम, ठोस नीति, ठोस नेतृत्व उसके दम पर लड़े जाते हैं, और ठोस जो नीतियां और कार्यक्रम हैं लोगों के बीच में वो कार्यकर्ता और संगठन लेकर जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा पन्ना फटा हुआ है, हमारे पन्ने पर तो हमारा पन्ना प्रमुख पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों सरकार के की उपलब्धियों की पहरेदारी करने के लिए बैठा है, वो घर घर जाने के लिए तैयार है, जाता है जब भी हमारे सेनापति, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी हो, उनके एक आवाहन पर वो अपने मोहल्ले में घर घर चला जाता है। और इनके नेता और इनका संगठन जो थोड़ा बहुत है कहीं ऊपर, वो कहां जाता है, वो केवल और केवल 10 जनपद के चक्कर लगाता रहता है, एक दूसरे की जड़ें खोदने के काम में लगे हुए हैं। इस हकीकत का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी ताकत कांग्रेस के फेक फर्जी नैरेटिव के खिलाफ हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमारी जो पैदल फौज है, हमारे कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक के, हर बूथ पर बूथ का प्रमुख, उसके साथ त्रिदेव की टीम, हमारे ये कार्यकर्ता, ये 4,500 जो शक्ति केंद्र हैं, शक्ति केंद्रों के प्रमुख हैं, हमारे कार्यकर्ता एक आवाहन पर, मैं अगर अध्यक्ष जी के शब्दों का इस्तेमाल करूं कि जब हमें उनसे संपर्क करना होता है, कोई बात कहनी होती है, तो बिजली की गति से, लाइटनिंग स्पीड से हम अपने कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचाते हैं और वो जनता तक, घर घर तक, लाभार्थी तक पहुंचाता है। ये हमारी ताकत है। हम कांग्रेस के सारे फर्जीवाड़े को, इनके फर्जी नैरेटिव को तार तार करने का दम और सामर्थ्य रखते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पर एक बात कहना बहुत आवश्यक है। हमारे रेड्डू जी ने जो कहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, आदरणीय प्रिय मित्र श्री रेड्डू जी, चौधरी देवीलाल गैर कांग्रेसवाद के प्रणेता रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी कहती है कि हम चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं। हमारी नजर में चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विचारधारा के मजबूत और पहले उत्तराधिकारी जननायक जनता पार्टी है, जो हमारे साथ हैं। लेकिन अगर आप भी कहते हैं कि आप चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी हैं, तो जरा बताइए, क्या चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन काल में यह नहीं कहा था कांग्रेस से निकलते हुए कि मैं और मेरी 7 पुश्तें भी कभी कांग्रेस का दरवाजा नहीं देखेंगी, कांग्रेस की दहली पर नहीं जाएंगी। लेकिन आज आप जिस पार्टी को मजबूत कह रहे हैं, सत्ता में आने के करीब कह रहे हैं, उस पार्टी के शिखर नेतृत्व चौधरी देवीलाल के सुपुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, वो कांग्रेस के सामने मिमिया रहे हैं एक तरह से। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सारी शर्तें मान लेंगे, बड़े से बड़ा त्याग कर देंगे। माने आप चौधरी देवीलाल के उस ऐलान को, उसको खूंटी पर टांग करके कांग्रेस की शरण में जा रहे हैं। कल तक आप कहते थे कि आपके नेताओं को जेल भिजवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने दंडवत होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे झुकने वालों को, दबने वालों को हरियाणा की जनता पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। और मैं तो ये मानता हूं आपके पास संगठन के नाम पर भी
बचा खुचा जो है आप कांग्रेस के गीत गाकर भूपेंद्र हुड्डा के शरणागत होकर जो आपका बचा कुचा कुछ कार्यकर्ता है उसको भी गंवा देंगे। आपके पास 24 में कुछ भी रहने वाला नहीं है रेड्डू साहब। ठीक है, ठीक है, मैं इसको यूं भी कहता हूं, आपकी हालत खराब है इसलिए आप कांग्रेस के सामने नतमस्तक हैं। एक वाक्य कहने दीजिए, आपकी हालत खराब है इसलिए आप उस कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो रहे हैं जो ये कहती है कि हमें तुम्हारा समर्थन नहीं चाहिए, और आप यूं ही रहे तो आपकी हालत जितनी आज खराब है चुनाव के बाद आप परिणाम में देखेंगे कि उससे भी माड़ी हालत आपकी होने जा रही है। मुझे विजेंद्र रेड्डू जी के पास जाना था, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने विवेक चौधरी जी को रोक दिया था उस समय, विवेक चौधरी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय, मैंने बोला था कि मैं आऊंगा आपके पास। आपने केवल डिंगरा जी से सवाल किया कि संगठन के बारे आपको बारी बारी वो किया जाता है। आप ही के चैनल पे विनय जी मैं बताना चाहूंगा, आप ही के चैनल पे बैठ के केवल डिंगरा जी ने एक बात कही कि हमारा संगठन 28 फरवरी तक बन जाएगा। उसके बाद 28 मार्च भी आ गई, मैंने फिर पूछने का काम किया कि 28 फरवरी चली गई, 28 मार्च भी आ गई। आज मैं दोबारा पूछता हूँ डिंगरा साहब, वो कागज पे जो साइन होने हैं उसका पेन मिल गया कि नहीं मिला, 28 अप्रैल तक हो जाएंगे कि नहीं होंगे? आज कहीं ना कहीं आप टीवी पे बैठ के झूठ बोलने का काम करते हैं कि हमारे प्रभारियों की लिस्ट आ गई। कौन से प्रभारियों की लिस्ट आ गई आपकी? आप क्यों झूठ बोलते हैं? आपने जो लिस्ट निकाली वो आपका हाथ से हाथ जोड़ो व्यायाम था, उसकी लिस्ट आई। उसके अलावा आपने संगठन का एक किसी जिला प्रधान का नाम बता दीजिए, अगर आपने लिस्ट आपकी बना दी, आप किसी एक ब्लॉक प्रधान का नाम बता दीजिए। संगठन के नाम पे है ही कुछ नहीं। बातें करा लो बड़ी बड़ी, सरकार बना लो, रात को रोज रात को सरकार बना के सोने का काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है रेडू साहब, जो जड़ों की बात कर रहे थे मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार जी राजेंद्र जाधव जी की, जो जड़ें हैं उनको हरा भरा करने की कोशिश, तो आप तो पूरा पेड़ को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम जमीनी तौर पर चीजें नहीं देख पा रहे हैं। और वो जो चौहान साहब भी सवाल उठा रहे थे कि आप तलाश कर रहे हैं कि अगर कोई वैशाखी भी मिल जाएगी तो उस वैशाखी के जरिए भी हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ जाएं, तो जब आप पूरा एक तरफ तो आप पूरा पेड़ हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक बैसाखी का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, चीजें समझ से थोड़ी बाहर कर। हाँ, ये दरअसल विनय जी, वीरेंद्र जी को भी समझ में नहीं आ रही और विनय भाई को भी समझ में नहीं आ रही है बातें, समझाएं, क्योंकि ये समझना भी नहीं चाहते और इनको समझ में आएंगे भी नहीं। हाँ। क्योंकि ये सत्ता का नशा ऐसा ही होता है। हाँ। उनको फिर सब सारे छोटे दिखाई देते हैं। अच्छा। अब देखिए कितनी विडंबना है। हाँ। ये सारी वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी बहुत सुनी है, मैंने भी बहुत सुनी है। जेजेपी वाले कहते कि हम 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सरकार बनाने के लिए गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी शर्त नहीं मानी इसलिए हमें भाजपा के साथ जाना पड़ा। ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है और वो कहते हैं कि नहीं हमने कहा नहीं, हमने मना नहीं किया, हम समझौता कर लेते। हाँ। वो पार्टी जो इनके साथ गठबंधन करने के लिए 2019 में इनके दरवाजे पर गई, आज वो सवाल उठा रहे हैं कि इनेलो पार्टी कांग्रेस से समझौता करने के लिए तैयार किस आधार पर होगी, जिन्होंने इनको जेल करवाई, ये करवाया, वो करवाया। अरे भाई, आप तो जाकर के आगे आपको लिफ्ट नहीं मिली। दूसरी हाँ। बात रही, वीरेंद्र जी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। हाँ। कहते हैं ये वक्ता बहुत तकड़े हैं और बड़े विचारक भी हैं, फिलोसफर भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं। अरे भाई, हम ना तो नाक रगड़ने के लिए कहीं जाएंगे, ना इनेलो कभी गई है, ना हमने किसी के लिए स्वागत द्वार बनवाए हैं। 2024 में हालात क्या होंगे, वो समय बड़ा बलवान होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से जितने धूर विरोधी आप और जेजेपी थे, इतने धूर विरोधी तो हरियाणा प्रदेश में कोई से भी दल नहीं है। इतने अच्छा। मुकदमे तक आप लोगों के दायर हो गए थे, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जनता ने समर्थन दिया बड़ी बात, और फिर आप एक हो गए। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, विनय जी मेरा टाइम भी काट दिया था आपने। नहीं नहीं सर, मैंने काटा, मैं तो आपकी पूरी बात कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चीजें आज। दूसरी बात इन्होंने कहा, हाँ देखिए विनय जी, अभी हमारे राजेंद्र जानौत जी बड़ी बार बार कहते हैं, इनके साथ मैंने बहुत डिबेट की है। हाँ। और ये कहते हैं कि बीजेपी की तैयारी बड़ी स्टीक होती है, बड़ी लार्ज स्केल पर होती है। वीरेंद्र जी भी कहते हैं हम तो हवा बिजली की गति से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश पहुंचाते हैं, हम तो हवा से तेज चलते हैं। अरे भाई, तुम इतने हवा से तेज चलते हो,
इतनी तेज बिजली की गति है तुम्हारी, कारखाना तो एक भी नहीं लगाया, बिजली सारी इस गति में खर्च कर रहे हो, जमींदारों को क्या दोगे? दूसरी बात, अगर इतनी ही तेज गति आपकी थी, हरियाणा प्रदेश में बड़ौदा का बाई इलेक्शन हुआ, वो बिजली की गति नहीं चली, एलनाबाद का इलेक्शन हुआ, बिजली की गति नहीं चली, 47 सीटें थी 2014 में, आदमपुर का भी हुआ ना, अगर इतनी ज्यादा स्पीड आदमपुर का भी हुआ तो 47 के 57 हो जाती, आदमपुर का भी हुआ उपचुनाव 75 हो जाती, वो गति नीचे क्यों आ रही है? दूसरी बात सुन ले भाई, न चौहान साहब ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा आपने बहुत कहा, मैं नहीं बोला, नहीं नहीं अच्छी बात, जो कर लो, आप बात पूरी आपकी कर लो, गति के कारण सीटें डाउन जा रही हैं, आपकी बिजली वाली गति के कारण आपका वोट परसेंटेज जो 49% होता था वो 26% पर आ रहा है, तो ये बिजली की गति नेगेटिव साइड में चल पड़ी वीरेंद्र जी आपकी, ये मतलब नुकसान करने की तरफ चल रही है, इस बिजली की गति को रोक लो आप, ठीक है, ये आपको फायदा रहेगा मैं बताता हूँ। दूसरी बात, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से घबरा, एक और बात मैं एक बात और कहता हूँ बस, मैं पूछना चाहता हूँ अपने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि जब आप 2014 में आपका शासन बना हरियाणा प्रदेश में, पहली कलम से चंडीगढ़ बैठते ही आपने कार्य क्या, खुले दरबारों को बंद करने का काम किया आपने, और आपने उस खुले दरबार को विंडो बना दिया, और विंडो के अंदर भी गत्ता लगा दिया ताकि कंप्लेनेंट की शकल दिखाई ना दे, केवल पर्ची डाल जाए। मैं आज क्या नौबत आ गई आपके पास कि आप दोबारा जनता के बीच में जाकर के दरबार लगाने का काम कर रहे हो? ठीक है रेडू साहब, जवाब ले लेते हैं। आपने वो ताऊ देवीलाल वाली नीति को दोबारा क्यों शुरू किया? क्योंकि आपको पता लग गया आपकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए आपने दोबारा उस ताऊ देवीलाल जो आज स्वर्ग में बैठा देख रहा है उसी की नीति को शुरू करते हुए दोबारा आपने दरबार लगाने क्यों शुरू किए? ठीक है राजेंद्र जादौन जी, इसलिए ये सारे घबराए हुए हैं, घबराए हुए हैं जी, और 2024 में इनेलो सरकार बना रही है। समय की कमी है, फिर क्लोजिंग कमेंट पे आ जाते हैं तो फिर उस तरह की बात नहीं रह पाती। एक बार मैं राजेंद्र जादौन जी के पास जा रहा हूँ। राजेंद्र जादौन जी, क्या लग रहा है कि इस तरह से गठबंधन को लेकर हम देख रहे हैं कि क्योंकि अभी मैं देख रहा था चौहान साहब को, चौहान साहब सवाल उठा रहे हैं खासतौर पर इनेलो को लेकर, इधर कांग्रेस की अगर बात की जाए वो कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति में नजर आ रही है, एक गठबंधन ऑलरेडी सरकार चली रही है, तो आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज है कि कोई एक नया गठबंधन या कोई नया समीकरण 2024 में हमें देखने को मिल जाए? सर नहीं देखिए, ये तो प्रयास है, मुझे लगता नहीं है कि इनेलो की जो बिल है वो कांग्रेस कहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये इनकी रिवेलरी भी बहुत जबरदस्त रही है जी, और कांग्रेस जो है पहले भी जिस तरह के प्रस्ताव आए थे गठबंधन के जी, तो वो हुडा जी का ही कहना था, भूपेंद्र सिंह हुडा का, कांग्रेस नेता का, कि कांग्रेस मजबूत है, उनको गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि गठबंधन होगा नहीं, फिर भी ये है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, ठीक है, ना तो कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है, और विचारधाराओं का तो आजकल लोप हो गया है, अब तो ये है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा वाला फॉर्मूला चल रहा है। अच्छा, अब ये जरूर है कि भाई ठीक है, अगर पावर में कोई पार्टी आती है तो जनहित के काम तो करने पड़ेंगे, और नहीं आएंगे तो आपकी विदाई हो जाएगी अगर आप काम नहीं करते हैं तो। ठीक है, ये बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, इसने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के कितना जनता की सेवा की है, जनता को कितना राहत पहुंचाई है, अब आने वाले चुनाव में इसका पूरा परीक्षण हो जाएगा, और कांग्रेस अपना अपोजिशन का और विपक्ष की भूमिका निभाई रही है, तो देखते हैं कि मतदाता कितना संतुष्ट हुआ और कितना असंतुष्ट हुआ, संतुष्ट सरकार से हुआ या असंतुष्ट हुआ, ये इसका नतीजा जो है वो चुनाव में आएगा। अगर उसको लगता है कि सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, कांग्रेस ताकत के साथ खड़ी हुई है, तो हो सकता है कि विकल्प के रूप में कांग्रेस का चुनाव कर ले वो, तो ये एक देखने की बात है। और किस तरह से जो है ये गठबंधन मिलके चुनाव लड़ता है, अलग होकर चुनाव लड़ता है, उसका भी बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, केवल ढिंगरा जी देखिए, एक चीज तो है कि आपको लगातार, चाहे किसी भी पार्टी की आप बात कर लीजिए, आपके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर सवाल उठा देते हैं संगठन को लेकर। सर एक बात बताइए, अगर आपकी यही प्लानिंग है कि संगठन के बिना ही आगे बढ़ते चलना है, तो फिर उस चीज को क्लियर कर दो, फिर साफ कर दो सर, ज्यादा बेहतर रहेगा।
विनय जी आपका पहला सवाल भी संगठन था, दूसरा भी संगठन है। सवाल इसी को लेके उठ रहे हैं आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, उठाइए। मैं आपके सवाल उठाने पे तो नहीं मना कर रहा, मैं तो आपका पहला सवाल मेरा था सर, बाकी सवाल आपके जो सहयोगी पार्टी दूसरी पार्टी की अगर बात करें, माफ कीजिएगा विपक्षी पार्टी संगठन ही है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना जी। संगठन मैंने आपको बताया कि हमारा तैयार हो चुका है, आप मानने को तैयार नहीं है ना ओपोजिशन मानने को तैयार है, मत मानो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बताइए 21 बीजेपी के एक्स एमएलए कांग्रेस में शिफ्ट हुए हैं या नहीं हुए इन दिनों के अंदर? 21 बीजेपी के एमएलए एक्स एमएलए कांग्रेस के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, आईएनएलडी के भी और जेजेपी के भी लोग कांग्रेस के अंदर शिफ्ट हो गए, आम आदमी पार्टी के भी शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरी बात, 15 एमएलए जब हमारे थे 2014 के अंदर, 2019 के अंदर हमारे 31 एमएलए आए थे, तो हमारा उस समय भी संगठन, आपकी बात जहां आप कर रहे हो संगठन नहीं था, तो संगठन नहीं था तो 15 से 31 क्लियर हो, अच्छी बात है। सुन लीजिए ना, हम लोगों ने काम किया होगा तभी तो 15 से 31 आ गए, अब 31 से 70-80 पे भी पहुंच जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ। ढाई का आंकड़ा बीजेपी को पार नहीं करने देंगे, अभी लिख के दे रहा हूँ। और दूसरी बात सुनिए, हाँ जी, अभी बीजेपी जेजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, ये आपने कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने तो सबसे पहले सवाल ही जेजेपी से ये किया है धींगरा जी, सबसे पहला सवाल यही किया, एक लाख चलो पे चलोगे या साथ साथ चलोगे? सर पहला सवाल ही ये किया सर, आपने जवाब दिया क्या विनय भाई? उन्होंने कहा दूर की बात है, जवाब उनको देना था जिस तरह से दे दिया। ठीक है ना, हाँ आपने तीन सवाल विनय भाई डिबेट में जवाब भी दिया गया, सवाल भी पूछा गया। सर मैंने पता नहीं कहा बैठे हैं, चलिए जो आपने सवाल पूछे थे वो तो आपने जवाब ही नहीं लिया इनसे, आपने तो कांग्रेस के संगठन पे ही सारी डिबेट खत्म कर दी। सर मैं सबसे पहले आप सुनिए बीजेपी विनय जी मैं उत्तर दे देता हूँ चौहान सर, एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर ये तीनों का सुपड़ा साफ होगा। ठीक है, तीनों का सुपड़ा साफ होगा, ये मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। चलिए, 10 से ज्यादा बीजेपी ऊपर 2.5 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, जेजेपी 0 होगी, और आईएनएलडी खाता खोलने में देखो 1, 2, 4 जो भी खाता खुलेगा 2.5 का आंकड़ा कोई पार नहीं करेगी तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये भी बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आप लिख लीजिए मेरी बात अभी विनय जी, और उसके बाद संगठन पे ऊपर 6 क्वेश्चन और करिएगा मेरे को, और आप ये देखिएगा उस समय रिजल्ट क्या निकलता है। ये सवाल भी अब तय करेंगे आपके लिए, आपके लिए सवाल भी तय करेंगे। समय की कमी है सर, मैं चाहता हूँ, देखिए बहुत अच्छी डिबेट चली अभी तक सर, मैं नहीं चाहता और खराब नहीं, तो आप इसको खराब करने की कोशिश करें। ठीक है डिंगरा जी, विनय जी, हाँ जी चौहान साहब प्लीज। विनय जी मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसके साथ खड़ा नहीं होगा, अकेले लड़ेंगे दुकेले लड़ेंगे, ये विषय तय होते होते तय होंगे, ये आज तय नहीं होने वाले, इसलिए उस पर ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आज कौन कहाँ खड़ा है इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज जो कांग्रेस की स्थिति है उसके पास संगठन नहीं है, खुद धींगड़ा जी मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो बिना संगठन के बढ़ गए थे और आगे भी बिना संगठन के बढ़ जाएंगे। मुझे विश्वास है बिना संगठन के ना कोई बढ़ा है ना बढ़ सकता है। मैं इससे अगली बात कह रहा हूँ, एक सेकंड मुझे मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। आप मेरी, अरे मेरी बात पूरी होने दो ना भाई, मेरी बात पूरी होने दो, केवल धींगड़ा मेरी बात पूरी होने दो, बीच में मत बोलो मेरे भाई, इनको रोको। मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं अरे रुक जाओ भाई, केवल धींगड़ा बीच में मत बोलो, मैं एक बात कह रहा हूं कि केवल धींगड़ा अगर बिना संगठन के भी भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन अथवा भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी दंगल में आएंगे तो हमें ये टक्कर तब तो देंगे जब इनके नेतृत्व के पास, अरे रुक जाओ, रुको, बीच में मत बोलो, विनय जी रोकिए इनको, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, लेट मी कंप्लीट। मैंने आपको, मैं दोहरा रहा हूं, जब बोल रहे थे मैंने सबको शांत रखा था भिंगरा जी प्लीज। मैं दोहरा रहा हूं केवल धींगड़ा और उनकी पार्टी कांग्रेस बिना संगठन के भी अगर भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन अथवा भारतीय, अरे अपनी जवान इस चोंच को बंद करोगे कि नहीं, बीच बीच में बोले जा रहे हो, थोड़े शब्दों की मर्यादा रखो जनता। विनय भाई मैं बोलूं कि नहीं आप बता दीजिए, ऐसे प्रवक्ता आते हैं, अरे बीच में क्यों बोल रहे हो, बदतमीजी क्यों करते हो,
केवल डिंगरा जी बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो केवल डिंगरा, चलिए बदतमीजी मत करो डिंगरा जी, देखिए बदतमीजी मत करो ना डिंगरा जी, जवाब बोलने होने दीजिए, देखिए सर इससे क्या फायदा, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, अंत में आकर मुझे मेरा एक वाक्य पूरा करने दीजिए जी जी, चौहान साहब बोलिए। देखिए विनय भाई मैं अपनी बात कह लूं जी, केवल ढींगड़ा और उनकी कांग्रेस पार्टी अगर बिना संगठन के भी हमारे सामने आए, भाजपा के सामने, हमारे गठबंधन के सामने, तो ये तब तो हमें टक्कर दे पाएंगे जब इनके नेताओं के पास आपस में एक दूसरे को टक्कर देने से फुर्सत हो। इनके घर में जो दंगल खुले हुए हैं, इनके घर में जो जूतम पैजार चल रही है, उससे फुर्सत मिलेगी तो तब तो हमारा मुकाबला करेंगे, तब तो हमें टक्कर दे पाएंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस आज दोनों के दोनों हमारा और जजपा का तो वैचारिक मेल बनता है, हमारा और इनेलो का भी थोड़ा बहुत वैचारिक मेल बनता है, लेकिन ये दोनों के दोनों एकदम बेमेल पार्टियां, वैचारिक मेल जिनका नहीं होता, आज अगर कांग्रेस भी गठबंधन ढूंढ रही है और लोकदल भी गठबंधन ढूंढ रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों के दोनों का आत्मविश्वास 2024 के लिहाज से पूरी तरह डगमगाया हुआ है। इनको अपने पांव के नीचे जमीन नजर नहीं आ रही है, सड़कों पर उतर कर देख लिया, यात्राएं निकाल कर देख लिया, लोग आज भी इनके साथ नहीं है, तभी तो ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि आजा भाई कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बाद में देखेंगे, पहले आ जाओ इकट्ठे होकर बीजेपी के लिए लड़ ले। अरे भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी 2024 में खाली नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी 2024 में आप लोगों के लिए खाली नहीं है, आप 0+0 इकट्ठे भी हो जाओगे, गुणा भी कर लोगे एक दूसरे से, 0+0=0, 0+0=0। ये जबरदस्ती है, जीरो पर हो, जीरो पर रहोगे, केवल ढींगड़ा, ठीक है सर, केवल ढींगड़ा, केवल ढींगड़ा कहीं 3 में 13 में हो नहीं, अभी कह रहे हो। अरे भाई जिस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, देखो इनको, इनकी बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोला था, एक बार भी मैं केवल ढींगड़ा के बारे में नहीं बोला, लेकिन ये बीच में आकर के कांग्रेसी बदतमीजी करते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ, केवल ढींगड़ा बदतमीजी बंद करो, मैं केवल याद करा रहा हूँ, देखिए बदतमीजी मत करो, केवल केवल एक वाक्य पूरा करने दीजिए विनय भाई, मुझे एक बात कह लेने दीजिए, मुझे एक बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का और केंद्र का नेतृत्व वो अदालतों में कई चक्कर काट रहा हो, जमानत पर छूटा हो, भ्रष्टाचार के मामलों में घिरा हुआ हो, उस जातिवादी क्षेत्रवादी चुप हो जाओ, केवल ढींगड़ा बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी करते हो, केवल ढींगड़ा बदतमीजी कर रहे हो, केवल ढींगड़ा बदतमीजी कर रहे हो, केवल ढींगड़ा बदतमीजी बंद करो, केवल ढींगड़ा बकवास बंद करो, बीच में बोलना बंद करो, स्टॉप इट। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, विनय भाई मेरा आधा वाक्य रह गया, मैं कंप्लीट करना मैं चाहता हूं, देखिए और भी गेस्ट हैं मेरे साथ, मेरे साथ चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, मेरे साथ राजेंद्र यादव जी भी, उनके पास भी जाना है, ठीक है सर, तो एक बार बस बात पूरी करने दीजिए, चौहान साहब आप प्लीज बात पूरी करिए, ढींगरा जी अब आप नहीं बोलेंगे, प्लीज प्लीज सर, ढींगरा जी आप नहीं बोलेंगे, मेरे हर सेंटेंस के बीच में, मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उनके पास बोलेंगे तो कैसे कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी का हरियाणा और केंद्र का नेतृत्व अदालतों के चक्कर काट रहा हो, जमानत पर छूटा हो, भ्रष्टाचार के मामलों से घिरा हुआ हो, हरियाणा की जनता उस जातिवादी क्षेत्रवादी और लुटेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ बिल्कुल भी झुकने वाली नहीं है। लुटेरों की तरफ हरियाणा की जनता का विश्वास कभी नहीं जाने वाला। विजेंद्र रेड्डू जी लास्ट कमेंट सर, क्लोजिंग कमेंट चाहिए मुझे, ढींगरा जी आप प्लीज, ढींगरा जी आप शांत हुई प्लीज, विजेंद्र रेड्डू जी लास्ट कमेंट चाहिए क्योंकि अब समय बचा नहीं, आप प्लीज बताइए जी। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल की विल के ऊपर सवाल उठाया गया, इंडियन नेशनल लोकदल की विल है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की जो विल का विजन है वो विजन है हरियाणा प्रदेश से भाजपा सरकार को चलता करना। इंडियन नेशनल लोकदल की विल ये नहीं है कि हमारा कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, इसका गलत इंटरप्रिटेशन ना किया जाए। हम किस में चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता किया जाए,
क्योंकि जिस प्रकार से इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश को लोगों को परेशान करने का काम किया है, जिस प्रकार से लोग सवेरे अपने कागज उठा उठा करके दफ्तरों में खड़े होते हैं और लगातार 6-6 महीने तक चक्कर काटते हैं और काम नहीं होते हैं, वो लोग परेशान हो चुके हैं, विकास के काम रुक चुके हैं और लोगों को पहिए लगाने का इस सरकार ने जो काम किया है और जो बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो बेड़ा गर्क करने का काम किया है, उस सब का बदला 2024 में हरियाणा प्रदेश की जनता बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। ये भूल जाए कि इन्होंने विकास काम किया, कोई काम नहीं किया, केवल बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, लोगों को परेशान करने का काम किया है। लास्ट कमेंट बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे अभी जाधव साहब के पास जाना है। विनय जी, ना तो कलम मिल पाई मेरे कांग्रेस के साथियों को, और मुझे लगता है जिस तरह की वो बात कर रहे हैं आगे भी नहीं मिलेगी लिस्ट पे साइन करने के लिए। आज के दिन ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इनके पास है कुछ नहीं, ये बातें तो कर रहे हैं सरकार बनाने की, इनके पास एक कलम नहीं है लिस्ट पर साइन करने के लिए। आज ये बातें करते हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, इनके काम करते हैं, समय की कमी है, प्रवक्ता भेज दिए जाते हैं जिनको बोलने का ही नहीं पता, और किस तरह से डिबेट की जाती है वो ही नहीं जिनको पता, ऐसे ऐसे प्रवक्ता डिबेट पे भेज दिए जाते हैं। और मेरे इनेलो के साथी को मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, इनसे एक बात तो पूछिए, 2019 के चुनाव से पहले इनके नेता ये कहते थे वर्कर्स मीटिंग बुला के कि भदवा और हरिया को इकट्ठा कर दे, आप सभी कहते हैं कर दे, और ये कहते थे मैं दिल्ली जा रहा हूँ और इकट्ठा करके आ रहा हूँ। आज इनको भगवा से इतनी दिक्कत हो रही है, उस समय इनको भगवा में बहुत अच्छा दिखता था, बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा दिखता था, आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जब अलायंस है, ठीक है, मुझे चौधरी जी माफ करना सर, समय कम है। राजेंद्र जाधव जी, लास्ट कॉमेंट बहुत संक्षेप में सर प्लीज। देखिए ऐसा है कि 2024 का चुनाव करीब है, यानी ये परीक्षा की घड़ी जो है, परीक्षा आने वाली है, राजनीतिक दलों को तो सार्वजनिक जीवन में वो किस तरह की नीतियां अपने कार्यक्रम लेकर आते हैं उसके आधार पर ही मतदाता चुनाव करता है। अब ये सरकार को भी देखना है, ये जो मौजूदा गठबंधन सरकार है, कि वो अपने अपने कामकाज की, अपनी रीति नीति, अपनी योजनाओं की समीक्षा करे। वो तो काफी दिनों से कहते आ रहे हैं कि हमारी अंत्योदय उत्थान योजना और हमारा परिवार पहचान पत्र योजना और सरकारी योजनाओं का अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो ट्रेंड है, इससे हम आगे बढ़ेंगे, और जो 1,00,000 रुपए से कम इनकम वाले जो लोग हैं उन परिवारों की हम इनकम बढ़ाएंगे। तो ऐसा जो है ये सब लेके उनको देखना है कि किस तरह से लोग संतुष्ट होते हैं और चुनाव में जाने के लिए और क्या जरूरतें हैं, आकलन करने की जरूरत है इस पर, और किस तरह से चला है अभी तक काम सत्ता पक्ष की तरफ से, दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर हम बात करेंगे, उस पर आकलन करने की जरूरत, विपक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सर मेरे पास समय नहीं है माफ करना, बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का, तमाम मेहमानों का, लेकिन यहाँ पर बात एक ही निकलकर सामने आती है कि तमाम पार्टियां अभी से अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी हैं और वो देखने को मिल रहा है धरातल पर। दावे अपने अपने हैं, सभी ने अपने अपने आंकड़े दे दिए हैं 90 सीट को लेकर, लेकिन वो आंकड़े कितने सही बैठेंगे, कितने फिट बैठेंगे, रणनीति किस तरह की बनाई गई है और उस पर किस तरह से काम चल रहा है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।